हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना खजाना भी सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़द दाल के लड्डू। उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे धुली हुई उड़द की दाल। यहाँ पर हमने ये 2 कप उड़द की दाल ली हुई है और 2 कप बूरा। आप बूरा की जगह खांड भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम। काजू बादाम ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हम लेंगे थोड़ा सा गोंद और यहाँ पर हम लेंगे 1 कप घी। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया इलायची पाउडर, हरी इलायची का, जो हमने बनाकर पहले से ही रखा हुआ है। तो चलिए हम उड़द दाल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है और कढ़ाई गैस पे रख ली है और हम इसमें उड़द दाल को रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने उड़द दाल धुली हुई यूज की है, इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है एक साफ कपड़े से। और उसके बाद अब हम इसको रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर भी घी में भूनकर इसको बना सकते हैं लड्डू। दोनों तरह से लड्डू बनकर के तैयार होंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आए, जब तक भूनना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा इसको भूनते हुए। दाल हमारी देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है और ये पूरी तरह से इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें से एक अच्छी सी नटी फ्रेगनेंस आने लगी है, इसका मतलब दाल हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको प्लेट में निकाल कर रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद हम इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग 1 कप के लड्डू बनाएंगे तो हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उनको हाफ कर लीजिएगा, आधा आधा करके आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें बूरा ही यूज करनी है या फिर खांड, पिसी हुई चीनी नहीं यूज करें, इससे लड्डू हमारे स्वादिष्ट बनकर नहीं तैयार होंगे। बूरा से एक अच्छा सा क्रंच आता है लड्डुओं में। तो दाल को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। दाल हमारी ठंडी हो रही है, जब तक हम गोंद को फ्राई कर लेंगे घी में। यहाँ पर हमने एक पैन लिया और इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है। घी को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और गैस की फ्लेम को सिम रखेंगे और इसमें हम गोंद डालकर थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे हल्के से चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए गोंद हमारा ये फ्राई हो रहा है और अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा गोंद फ्राई करके रख लेंगे, फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा हल्का सा। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और हम इसको जार में डालकर पीस लेंगे। इसको पीसने के बाद यहाँ पर हमारे पास काजू बादाम है, इनको भी मोटा मोटा पीस लेंगे और जो हमने गोंद भून कर रखा हुआ है उसको भी पीस लेंगे। देखिए दाल का पाउडर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। हमें ये कुछ इस तरह से पाउडर बनाकर तैयार करना है, जो मोटा बेसन आता है ना लड्डू वाला, तो हमें उस तरह से ही ये बनाकर तैयार करना है। और हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने दरदरा सा काजू बादाम पीस कर रखा है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ गोंद और अब हम इसमें बूरा भी ऐड कर लेंगे।
पूरा ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घी घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये हमारा एक कप घी लिया था उसमें से इतना घी बच गया है। हमने एक साथ सारा घी इसमें इसलिए ऐड नहीं किया कि ये लड्डू का जो डो है हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएंगे और लड्डू हमारे अच्छी तरह से बाइंड होने लगेंगे। तो बस हमें इतना ही घी ऐड करना है और हम इनके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे तरह से। सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं जैसे बनाने हैं आपको। ये देखिए ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और हमारे लिए ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। बारिश के मौसम में बनाइए आप इनको, एंजॉय कीजिए। सर्दी में सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप कभी भी इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये उड़द की दाल हर किसी के किचन में होती है, आप जब मर्जी चाहे आप बनाकर, जब आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इनको बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार बनाइएगा ज़रूर इन लड्डुओं को इस तरह से। फ्रेंड्स लड्डू हमारे सारे बनकर के तैयार हैं और हमने इनको गार्निश किया है पिस्ते के साथ। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। हम आशा करते हैं हमारे सभी प्यारे व्यूवर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग घर में रहें, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें एंड कीप वॉचिंग खाना खजाना विद सास बहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।